तो कैसे हो मेरे गेमर भाई, उम्मीद करता हूँ बिल्कुल मस्त हो गए, जबरदस्त हो गए। फाइनली आ चुके हैं BGMI के 3.5 अपडेट के न्यू गेम प्ले के साथ वापस, और यहाँ पे पूरा गेम प्ले दिखाने वाला हूँ, साथ ही साथ जितनी भी नई चीजें ऐड हुई हैं उनको भी बताने वाला हूँ, सारी चीजें एक्सप्लोर करेंगे आज के इस गेम प्ले के अंदर। सबसे पहले आप BGMI की जो स्पॉन आइलैंड वाली लॉबी है वो देखो कितनी खतरनाक इस बार दी गई है, तो बड़ी ही प्यारी लग रही है। इस साइड का लुक कुछ इस तरह का होने वाला है और पीछे का जो लुक है वो कुछ और ही ज्यादा डिफरेंट टाइप का होने वाला है, ये देख सकते हो दोस्तों, ठीक है, कुछ इस तरह का होने वाला है, तो काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। और एंड में भाई बहुत खतरनाक चीज दिखाने वाला हूं, मतलब मजा आ जाएगा, ऐसी ऐसी चीजें देखने को मिलेंगी आज के इस वीडियो में, ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखते रहो। और हां, वीडियो काफी इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो भाई फटाक से अभी से यार लाइक कर दो, और जो लोग BGMI PUBG मोबाइल खेलते हैं चैनल को भी सब्सक्राइब कर दो, जिससे नए वीडियो जो है वो आपको सबसे पहले मिल जाए। तो यहां पर फाइनली जो प्लेन वाला जो एनिमेशन है वो अभी तक एड नहीं किया गया है, क्योंकि बीटा का गेम प्ले है और कुछ टाइम बाद हो सकता है कि ये ऐड कर दिया जाए, तो अभी मैं एक दो दिन बाद फिर से इसका एक गेम प्ले लाऊंगा जिसमें मैं आपको और चीजें दिखाऊंगा, क्योंकि अभी काम चल रहा है तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिन पे अभी काम नहीं हुआ है, कुछ चीजें ऐसी हैं जिन पे काम हो गया है, काफी चीजें बन गई हैं, काफी चीजें भी बनना बाकी है मेरे भाई, ठीक है। तो सबसे पहले यहां पे देख सकते हो बहुत सारी लोकेशंस हैं, तो सबसे पहले इस वाली लोकेशंस पे चलते हैं जहां पे आइकॉन बन के आ रहा है, देखते हैं यहां पे क्या नई चीज ऐड करी गई है BGMI वालों की तरफ से। तो यहां पे ये देख सकते हो, ये एक नई लोकेशन है, ये ओ भाई ये क्या है, अभी टूटा फूटा पड़ा था, जैसे ही हम लोग यहां लैंड हुए पूरा बन के रेडी हो गया, और अरे ये क्या हुआ, इधर से इधर आके कुछ हुआ ही नहीं, अरे भाई ये टूट के गिर रहा है, देख सकते हो भाई पूरा टूट टूट के नीचे गिर गया। तो ये शायद कुछ यहां पे बनने वाला है जो कि अभी तक पूरी तरह से बना नहीं है, या फिर हो सकता है इसके अंदर जाने का कुछ और रास्ता हो और जुगाड़ हो जो अभी हमें ना पता हो, तो आगे हमें पता चल जाएगा, टेंशन मत लो मेरे भाई, ठीक है। तो यहां पे वैसे ये वाला एनिमेशन मस्त था यार, कुछ भी कहो, और ये मेरे हिसाब से शायद पोर्टल होने वाला है, जैसा कि अभी 3.4 के अपडेट में पोर्टल मिलता है ना रेड कलर का, जिससे कि हम सीधा जा सकते हैं उसके अंदर इवेंट के अंदर, वैसा ही मुझे लग रहा है ये पोर्टल होने वाला है जो कि अभी पूरी तरह से बन के रेडी हुआ है, तो देखते हैं आगे क्या होता है। फिलहाल अभी यहां से हम लोग AY लोकेशन तो देख चुके हैं, अब बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन। तो दोस्तों हमारी नेक्स्ट लोकेशन ये होने वाली है, जो कि दिखने में आपको बिल्कुल सिंपल लगेगी ये गोले के टाइप में, लेकिन ये बिल्कुल भी सिंपल नहीं है मेरे भाई, इसके अंदर भाई बंदे बहुत ज्यादा ट्रोल होने वाले हैं। क्यों ऐसा मैं बोल रहा हूं वो अभी आपको आगे पता चल जाएगा, क्योंकि भाई इस लोकेशन में बहुत सारी हिडन चीजें हैं जो शायद ही बंदों को पता होंगी, ठीक है। तो मैं पहले आपको बता देता हूं, यहां पर मैं जब पहली बार जाता हूं फायरिंग करके देखता हूं कि शायद ये टूटेगा क्या, तो फिलहाल ये टूटता नहीं है, लेकिन यहां पर एक नई चीज देखने को मिली मुझे कि जैसे ही मैं अंदर जा रहा हूं ना, मेरी गन ऑटोमेटिक अंदर चली जाती है, और इस गोले के अंदर आने के बाद ना ही आप गन उठा सकते हो ना ही कोई एनिमी गन उठा सकता है, ठीक है। और यहां अंदर आओगे ना तो यहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे, इसके ऊपर आपको क्लिक कर देना है, और जैसे ही क्लिक करोगे ये केक टाइप में हाथ में उठाता है और एक इमोट करता है, और इमोट होने के बाद यहां पे बहुत सारी आपको लूट देखने को मिल जाएगी, लेकिन लूट तो उठा सकते हो लेकिन कोई गन नहीं उठा सकते हो, मतलब गन उठा के पीछे रख सकते हो, हाथ में नहीं ले सकते हो, ये देख सकते हो यहां पे बहुत सारी लूट मिल जाएगी। एनिमी भी आएगा ना तो आप उसको मुक्के से ही मार पाओगे, ना ही गन से मार पाओगे, ना ही मिली वेपन से मार पाओगे, ना ही ग्रेनेड वगैरह किसी चीज से नहीं मार पाओगे, कोई भी चीज नहीं उठेगी इसके अंदर, मतलब ये भाई पूरी तरह से शांतिपूर्ण एरिया है कुल मिला के, ये समझ लो, अंदर से गोली बाहर भी नहीं जाएगी और बाहर से गोली अंदर भी नहीं आएगी। जी हां दोस्तों, ना ही ग्रेनेड अंदर से बाहर जाएगा, ना ही ग्रेनेड बाहर से अंदर आएगा, कुल मिला के समझ लो, इसके अंदर अगर आपको फाइट लेनी है तो मुक्का फाइट करनी पड़ेगी। तो भाई ये वाली लोकेशन ना बहुत मजा आने वाला है भाई, यहां पे एनिमी को बहुत ज्यादा ट्रोल करने वाले हैं बंदे, मजा आ जाएगा। वैसे ये वाली लोकेशन कैसी लगी कमेंट में बताना, ठीक है। अब चलिए बढ़ते हैं अपनी नेक्स्ट लोकेशन की ओर, क्योंकि जो अपनी नेक्स्ट लोकेशन होने वाली है ना भाई, उसके अंदर बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीजें देखने को मिलेंगी। लेकिन उससे पहले यार यहां से मैं जा रहा था, ये बोट भाई, हम लोग बोट का पीछा करते हैं यार, यहां पर बोट हम लोग का पीछा करते हैं, क्या ही सीन है पता नहीं, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट लोकेशन। अब ये नेक्स्ट लोकेशन जो है ना, ये ग्लेशियर के नाम से आपको देखने को मिलेगा, ग्लेशियर ब्रिज शायद यही लिखा है ना, हाँ। तो यहां पे आपको क्या है कि यहां पे बहुत सारी, एक नहीं बहुत सारी हिडन चीजें देखने को मिलने वाली है, और खास करके लूट, लूट तो भाई इतनी ज्यादा
पता है कि शायद यहाँ 5-6 स्क्वाड भी आ जाएंगे ना, तब भी लूट खत्म ही नहीं होगी, इतनी ज्यादा लूट है। क्योंकि इसके अंदर जितने मतलब ज्यादा चीजें हैं ना, उतनी ही ज्यादा लूट भी है इसके अंदर, ठीक है। अब ये जितनी भी ग्लेशियर जैसी चीजें दिख रही है ना, जो बर्फ जैसी चीजें दिख रही है ना और चमक रही है, ये सारी चीजें टूट भी जाती है, और जैसे ये टूटती है ना, इसके अंदर बहुत सारी लूट मिलती है। चलिए मैं अभी आपको करके दिखाता हूं। और यहां पर मैं पहले इसके ऊपर लैंड होने का ट्राई कर रहा था कि शायद लैंड हो जाए, लेकिन ये इसके ऊपर आप खड़े शायद नहीं हो सकते हो। आगे हो सकता है खड़े हो पाओ, लेकिन अभी के टाइम पे आप इसके ऊपर नहीं खड़े हो सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ, सबसे पहले देख सकते हो ये मुझे मिलता है, और यहाँ पे देख सकते हो अभी काम चल रहा है गेम की ओर से। तो अभी काफ़ी सारी बक्स आपको देखने को मिलेगा, देख सकते हो लूट अभी हमारी हवा पे ही दिखाई दे रही है, जमीन पे है नहीं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें तो टेंशन मत लो, ये जब फाइनल वर्जन पे आएंगे ना, तो ये सब चीज़ें फिक्स हो जाएंगी, टेंशन की कोई बात नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा जंप वंप करके थोड़ा सामान लूट लेता हूँ, और लूटने के बाद ये हमारे बोट महाराज मिल जाते हैं, तो इनको फटाफट से फिनिश करेंगे, उसके बाद आपको धमाकेदार चीजें दिखाते हैं, क्योंकि इस बर्फ के अंदर क्या क्या दबा हुआ है आप सोच नहीं सकते हो। और हां एक बात और बता दूं, इसके अंदर भाई जमीन के अंदर भी जा सकते हो। जी हां दोस्तों, इतनी सारी गुफाएं देखने को मिलेंगी कुछ। ये देखो एक बर्फ का टापू है जो कि अभी पूरी तरह से बना नहीं है, और यहाँ पे आप देख सकते हो साइड में भी हम लोग चल सकते हैं, जो कि हवा में है। ये हवा में नहीं है, इसके ऊपर कुछ बनेगा, अभी पता नहीं क्या है मगर बनेगा, ठीक है। और ये कुछ नई टाइप की आपको शील्ड देखने को मिलेगी जो कि टूट भी जाती है, ये देख सकते हो। और इसको आप कहाँ पे यूज कर पाओगे, फाइट के बीच में आप इसको एक बार यूज कर पाओगे, बार बार नहीं केवल एक बार यूज कर पाओगे, ठीक है। और ये ओपन एरिया में फाइट करने के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। अब देखो यहाँ पे सबसे पहले इस साइड में आते हैं, यहाँ पे जितनी बर्फ दिख रही है ना, कोने में आओगे ये लीव का ऑप्शन दिखेगा, इसके ऊपर जैसे क्लिक कर दोगे ना भाई, आप बर्फ का गोला बन जाओगे। जी हाँ दोस्तों, जैसे इसके ऊपर मैं देखो अभी क्लिक करता हूं, ये देखो तो ये बर्फ का गोला बन गया, मतलब बर्फ जैसा बन गया। और अभी मुझे बर्फ का फुटबॉल अगर बनना है ना, तो फुटबॉल वाले ऑप्शन पे क्लिक करना होगा। जी हाँ दोस्तों, स्पीड बूस्ट जहां लिखा है ना, इसके ऊपर मैं क्लिक करूंगा ना, तो मैं बर्फ का एक बॉल बन जाऊंगा। ये देख सकते हो गोल गोल बॉल बन गया। अब देखो ये बॉल बन के मैं कहीं भी जा सकता हूं, इधर उधर घूम सकता हूं, ये समझ लो। तो मतलब एनिमी को कंफ्यूज करने के लिए बहुत अच्छी चीज है, और खास करके कैंपर के लिए एक नंबर चीज है। हर बार इवेंट में ये लोग कैंपरों के लिए कुछ ना कुछ जरूर देते हैं, ठीक है। तो अभी मेरा नेट थोड़ा स्लो था यहां पे, तो मैं ज्यादा तेज भाग नहीं पा रहा था, लेकिन बढ़िया चीज है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट लोकेशन ये वाली है, जैसा कि देख सकते हो, और ये लोकेशन भाई बहुत खतरनाक है, इसके अंदर जमीन के अंदर भी जा सकते हो। जी हाँ दोस्तों, बहुत सारी, जैसा कि मैंने आपको पिछले वाले में बताया था ना कि जमीन के अंदर जा सकते हो, लेकिन वहां पर दिखाया नहीं था क्योंकि वहां पर भी काफी सारी चीजें बनी नहीं थी उस वाले इवेंट पे, यहां पर बन गई है, ठीक है। तो यहां पर मैं आपको दिखाता हूं काफी सारी चीजें। ये जैसे ही नदी के पास आओगे ना, तो यहां पर देख सकते हो ये काफी व्हाइट व्हाइट बर्फ जैसी दिखेगी, इसको जैसे ही मैं तोड़ूंगा ना, तो नीचे एक सुरंग टाइप में मिलेगी जिसमें हमें लूट बॉक्स मिल सकता है, या फिर सुरंग मिल सकती है जहां से हम नीचे जा सकते हैं और नीचे भी लूट कर सकते हैं, कुल मिला के ये समझ लो। तो ये देख सकते हो एक बॉक्स जैसा मिला है हमें एक डब्बा खोलने के लिए, और यहाँ पे काफ़ी सारी करेंसी मिल जाएगी, हेल्थ किट मिल जाएगी, गन वगैरह, एमओ वगैरह सब कुछ मिल जाएगा, ठीक है। अब देखो यहाँ से जैसे ही मैं आगे आता हूँ ना, ये इस रिवर पर आपको बहुत सारे ऐसे बर्फ के गोले मिल जाएंगे जिनको आपको तोड़ के बहुत सारे लूट मिल जाएगा मेरे भाई, ठीक है। और किसी किसी में सुरंग भी मिलेगी, तो मैं आपको अभी आगे दिखाऊंगा, लेकिन उससे पहले ये देख सकते हो ये एक बर्फ टाइप में है, तुम्हें लगेगा ये नहीं टूटेगी, लेकिन ये पूरी टूटेगी, देखना। अभी इसके ऊपर फायरिंग करूंगा, देखो पूरी टूट गई और ये बॉक्स निकल आया। इसको मैं ओपन करूंगा, यहाँ पे दोनों बॉक्स पे काफ़ी सारी लूट मिल जाएगी मुझे, ये देख सकते हो, ठीक है। काफ़ी सारी लूट यहाँ पे मिलेगी, ये देख सकते हो, ठीक है। तो इस तरह की यहाँ पे बहुत सारी ग्लो करने वाली बर्फ होगी जिसको आपको तोड़ के सामान निकालना है। अभी देखना एक नई टाइप की बर्फ मिलेगी जो कि व्हाइट कलर की होगी, ठीक है। आगे मैं आपको दिखाऊंगा, वो बिल्कुल व्हाइट व्हाइट होगी, जिसमें कि केवल व्हाइट वाले पार्ट पर ही फायरिंग करनी है। अगल बगल आपने अगर फायरिंग करी ना, तो वो नहीं टूटेगी और ना ही उससे आप लूट निकाल पाओगे, लेकिन जब व्हाइट वाले पार्ट पे मारोगे ना, तब वो टूटेगा भी और उससे लूट भी निकलेगा। अब वो कहाँ पे मिलेगा, चलिए मैं आपको आगे दिखाता हूँ, लेकिन सबसे पहले ये जो नया हमें वेपन मिला है, इसको मैं यूज करके दिखाता हूँ। देखो इसको जैसे ही फेंकूंगा ना, तो ये नई टाइप के एक सील्ड टाइप में बना देता है, एक कवच टाइप में बना देता है, जो कि ओपन में फाइट करने के लिए बहुत मस्त चीज़ है भाई। बिल्कुल जैसे ओपन में फाइट हो रही ना, तो बीच में इसको बना लो, आराम से लेट जाओ बस, फिर आराम से बंदों को ठोक सकते हो। लेकिन हाँ, ज़्यादा देर तक ये आपको प्रोटेक्ट नहीं कर पाएगी, क्योंकि ज़्यादा अगर किसी ने स्प्रे मारा ना इसके ऊपर, तो ये टूट भी जाती है, देख सकते हो ये टूट भी जाती है। लेकिन हाँ, कुछ टाइम के लिए आपको बचा देगी, जिससे कि आप हील हील लगा पाओगे मेरे भाई, ठीक है। और से मतलब यहाँ पे शेर भी आपको देखने को मिलेगा, शेर, हाथी, ये सब चीज़ें, लॉयन वगैरह सारा कुछ देखने को मिलेगा। और हाँ, इसके अंदर कुछ नई चीज़ें हैं भाई, इस बार का जो मतलब व्हीकल हमें मिला है ना, इनके अंदर एक नई चीज़ें जो कि मैं अभी आपको आगे दिखा
दिखाने वाला हूं। ये जंप तो कर ही सकता है, फॉलो भी कर सकता है और साथ ही साथ यहां पे ऑटो में भी चल सकता है, लेकिन ये ड्रिफ्ट का जो ऑप्शन है ना, ये बहुत खतरनाक चीज है भाई। ये पूरा भाई एनिमी को कंफ्यूज कर देता है। अभी मैं आपको आगे करके दिखाऊंगा, लेकिन पहले ये नदी का ये और ये बर्फ का गोला, इसको तोड़ता हूं और जमीन के नीचे जाके दिखाता हूं, क्योंकि जमीन के नीचे बहुत ही ज्यादा अमेजिंग चीजें देखने को मिलेंगी मेरे भाई। ठीक है, तो जैसे इसको आप तोड़ोगे ना तो जमीन के नीचे चले जाओगे मेरे भाई। ठीक है, वैसे मजा आ रहा हो ना तो यार प्लीज यार लाइक कर देना, क्योंकि बहुत मेहनत लगती है वीडियो बनाने में, तो प्लीज गाइस लाइक कर दो ताकि हम आगे जो नेक्स्ट वीडियो लाएं उसका भी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। ठीक है, तो यहां पे देख सकते हो भाई, यहां पे काफी सारी लूट मिल गई और सामने एक और दरवाजा है जो कि बर्फ का है और इसको भी हमें तोड़ना है। इसको भी तोड़ने के लिए आपके पास एमो होना चाहिए। हाँ देख, याद रखना इस लोकेशन पे जब भी आना गन जरूर ले आना, क्योंकि बिना गन के आप कोई भी दरवाजा आप यहां पे तोड़ नहीं पाओगे, और दरवाजा नहीं टूटेगा तो आपके पास लूट भी नहीं मिलेगी मेरे भाई। ठीक है, तो गन और एमो कायदे से लेके बैठना। ठीक है, और यहां पे भाई इस बार एक जो हेल्थ आई है ना, क्या मजेदार हेल्थ है, मजा आ जाएगा। अभी आ गया, मैं आपको दिखाऊंगा, पता चल जाएगा। ठीक है, तो ये चीज जो अभी 3.4 में दी गई थी वही इसके अंदर भी दी गई है, लेकिन ये अभी शायद पूरी तरह से बना नहीं है, क्योंकि आधी दूर तक ही जाता है, इसके ऊपर जाता ही नहीं है। शायद ऊपर का भी ये लोग बना रहे हैं और जैसे फाइनल वर्जन आएगा तो बन जाएगा, या फिर उससे पहले मैं एक और गेम प्ले लाऊंगा जिसमें मैं आपको सारा कुछ दिखा दूंगा मेरे भाई। ठीक, तो यहाँ पे देख सकते हो इस तरह से कुछ इंटरफेस होने वाला है, मजेदार है मेरे भाई। ठीक है, अब देख सकते हो यहाँ पे बहुत सारी ऐसी बर्फ है जो ग्लो कर रही है, तो इसको आप तोड़ सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इसको आप तोड़ सकते हो, तोड़ के लूट ले सकते हो। इसमें कुछ ऐसी बर्फ होगी जिसके अंदर लूट मिलेगी, कुछ ऐसी बर्फ होगी जिसके अंदर लूट नहीं मिलेगी। जी हाँ दोस्तों, मतलब ये लक के ऊपर डिपेंडेड है। यहाँ पे कुछ ऐसे भी गोले होंगे बर्फ के जिनको फोड़ने पर आपको लूट मिलेगी, कुछ खाली भी होंगे मेरे भाई। ठीक है, तो वो अपने हिसाब से देख लेना। जैसे ये है, ये आपको लगेगा कि टूटेगा, लेकिन ये टूटेगा नहीं। जी हाँ दोस्तों, ये टूटता नहीं है, मैं भी इस पे कंफ्यूज हो गया था। ठीक है, अब देखो आगे आएंगे और आगे यहाँ पे एक और हमें पत्थर मिलेगा जो कि बिल्कुल चौकोर टाइप का होगा, ये देख सकते हो। ठीक है, लेकिन इस पे चारों तरफ गोलियां नहीं मारनी, इस पे कुछ ही पार्ट हैं जिन पे गोलियां मारनी है तभी ये टूटेगा, हर जगह से नहीं टूटेगा। देखो जितना ग्लो कर रहा है ना, इस पे अगर फायरिंग करोगे तभी ये टूटेगा। देखो ये बीच में ग्लो करने लगे, जब उधर इधर का टूट जाएगा तो उधर ग्लो होगा। जहां जहां ग्लो करे उधर उधर फायरिंग करो, ये अपने आप पूरा टूट जाएगा। और देख सकते हो बहुत सारी भर भर के लूट देता है भाई। इस वाले पत्थर पर बहुत लूट मिलती है, मतलब कम से कम दो लोगों की पूरी लूट कंप्लीट हो जाती है। और ये वाली हेल्थ की बात कर रहा था, ये देख सकते हो एक नई बॉटल टाइप में है जो भी है ये, मगर ये बहुत अच्छी हेल्थ है क्योंकि बहुत कम टाइम में लग जाती है और इससे पूरी हेल्थ एक बार में भर जाती है और पूरी भी मतलब पूरा लेवल वगैरह सब कुछ भर जाता है, ऊपर नीचे का जो भी है ना सारा कुछ फुल हो जाता है। तो मतलब ये बहुत अच्छी चीज है, इमरजेंसी में आप इसको लगा लो ना भाई, बूस्ट वूस्ट सब एक बार में ही कर देता है। तो दोनों चीजें, अब यहां से निकलने का रास्ता है, देख सकते हो जैसे ही मैं निकला सामने मुझे बोट मिल गया, इसको भी निपटा दिया। ठीक है, अब देखो यहां पे आते हैं और यहां पे उस वाली पावर को मैं यूज करके आपको दिखाता हूं जो मुझे वहां पे मिली थी ना, उसको मैं थोड़ा सा यहां पे आपको यूज करके दिखाता हूं क्योंकि मजा आएगा। ठीक है, क्योंकि जब भी आप इसको यूज करोगे ना, इसका एनिमेशन ना बहुत ही खतरनाक टाइप का। चलिए मैं आपको करके दिखाता हूं यहां पे। तो ये सबसे पहले मैं यहां पे हेल्थ ले लेता हूं, ये देख सकते हो ये नई वाली हेल्थ है जिसको जैसे ही लोगे ना पूरी हेल्थ एक बार में भर जाती है और बहुत कम टाइम लेता है मेरे भाई। ठीक है, अब इसमें क्या होता है कि मतलब अगर आप फाइट ले रहे हो, आपके पास टाइम कम है, तो आप इसका यूज करो, इसमें एक बार में पूरी हेल्थ भी भर जाएगी, दोनों काम हो जाएंगे। अब ये एक नई लोकेशन है, मुझे नहीं पता ये क्या चीज है, ये शायद अभी अंडर डेवलपमेंट है जो कि काम चल रहा है। और यहां पे मैं गया गाड़ी से उतर के, मैंने देखा कि ये टूटेगी या नहीं टूटेगी, तो देखते हैं। अभी ये बर्फ में जैसे ही फायरिंग करता हूं ना पीछे जाके, तो ये बर्फ टूट भी रही है। शायद यहां पे कोई नई लोकेशन ये लोग बनाने का काम करने वाले हैं, या फिर यहां पे कुछ आएगा, मुझे नहीं पता है क्या चीज़ है, या फिर हो सकता है इनको सबको तोड़ने से कुछ ना कुछ लूट दें, या कुछ भी हो सकता है। अभी इसको मुझे ज़्यादा नहीं पता है क्योंकि जोन बन गया था, तो मैं इसके पीछे ज़्यादा गया नहीं और मेरे पास एमओ भी नहीं था कि मैं सारे तोड़ सकूं इसको, तो मैंने कहा नेक्स्ट वीडियो में इसको कवर करेंगे। फिलहाल मैं तोड़ रहा था तो ये टूट रही थी चीज़ें, देख सकते हो ये सारी चीज़ें टूट रही हैं, जितनी भी बर्फ है ना ये सारी की सारी टूट रही है, और अगर टूट रही है तो इसका मतलब कुछ ना कुछ मिलेगा भी यहाँ। ठीक, अब चलिए ये वाली पावर यूज करते हैं। देखो भाई क्या खतरनाक एनिमेशन है बे, और जहां पे इसको एम लेके मारोगे ना आप वहीं पे उड़ के चले भी जाओगे। जी हाँ दोस्तों, ये भी एक अच्छी चीज है कि ये आपको कवर तो देता ही है, लोकेशन भी चेंज कर देता है, मतलब यहां से वहां जहां का आप एम लगा के मारोगे ना आप डायरेक्ट यहां से उड़ के वहां पर पहुंच जाओगे, और वहां पर आपके अगल बगल शील्ड भी लग जाएगी जिससे कि तुरंत का तुरंत आपको कोई एनिमी नहीं मार पाएगा, जब पहले इसको तोड़ेगा फिर आपको मारेगा मेरे भाई। ठीक है, तो ये भी यार काफी अच्छी चीज है। उसके बाद ये वाला
देखो मैंने बताया था ना ये वाला नया बटन ड्रिफ्ट, देखो मैं ड्रिफ्ट जैसे ही दबाता हूँ ये गोल गोल शेयर घूमता है, लेकिन स्पीड देखो इसकी कितनी ज्यादा हो जाती है। अभी देखो नॉर्मल स्पीड इसकी इतनी है, लेकिन ड्रिफ्ट दबाने के बाद देखो स्पीड कितनी तेज हो गई। ये देखो ड्रिफ्ट की पावर है भाई, इतनी तेज भागता है कुछ कहने को नहीं ये बटन। मतलब भाई एनिमी के गोल गोल अगर बगल अगर आप घूमोगे ना भाई, वो एम ही नहीं लगा पाएगा और आप उसको इजीली मार पाओगे। और यहाँ पे दो लोग बैठ सकते हैं, तो एक आगे चलाएगा पीछे वाला उसको आराम से मार सकता है। तो ये काफी अच्छी चीज होने वाली है और मुझे लग रहा है इसको बहुत ज्यादा बंदे यूज करने वाले हैं मेरे भाई। ठीक है, तो फाइनली गाइस ये थी नए अपडेट की कुछ नई चीजें। वैसे इनमें से सबसे अच्छी चीज आपको कौन सी लगी मुझे कमेंट में जरूर बताना। उम्मीद करता हूं आज का ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ऐसी नई इंटरेस्टिंग कूल वीडियो और पाने के लिए, बीजीएमआई पबजी से रिलेटेड वीडियो पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल नोटिफिकेशन ऑल पर सेट कर देना, जिससे नए वीडियो सबसे पहले मिल जाए।